लेकिन तुम्हें कैसे पता कि हमारे देश पर फिर से कोई संकट आने वाला है? बहुत साल पहले प्रोफेसर ने तुम्हारी माँ को नीलगिरी पहाड़ी के पीछे से बुलाया था। नागिन हूँ मैं, नागिन। जब देश पर संकट आया था। पर फिर भी तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि हमारे देश पर संकट आने वाला है? तुम्हें कैसे पता? एक कमरा है शेष नागिन, जिसमें बहुत अजीब सी चीजें हो रही, पर मुझे नहीं पता। 5 से 6 लोगों की जहर से मौत हो चुकी है और 15 से 20 अचानक से मर चुके हैं। उनमें सांपों का जहर पाया गया है। मुझे लगता है कि वो नागिन का जहर है। नागिन का जहर? हाँ, इस बार वायरस बीमारी में फैलेगा। कोई नागिनों का नाम खराब कर रहा है, नागिन के जहर से सबको मारना चाहता है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ शेष नागिन। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो ये देखिए। ये वो जगह है जहां पे ये प्रयोग हो रहा है, और ये लोग जो इस प्रयोग को कर रहे हैं, शरीर में नागिन जैसा जहर आएगा। इस बीमारी का नाम है नागिन। वो कहते हैं कि ये बीमारी शरीर में रहती है नागिन के रूप में। इस प्रयोग को हमें खत्म करना होगा शेष नागिन, वरना ये पूरे भारत को तबाह कर देगी ये बीमारी। अब नागलोक की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, मैं वापस आऊंगा। थैंक गॉड टीना को कुछ याद नहीं और वो सो रही है। बेटा बाहर कड़ी धूप है, गला सूख रहा है, पानी मिलेगा क्या? आइए ना। ये लीजिए पापा। खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो। बाबा आप तो बहुत ज्ञानी और अंतर्यामी लगते हैं, मुझे और मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए ना। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे, और तुम्हारा बच्चा। क्या हुआ बाबा? भगवान तुम्हें हर चुनौतियों से लड़ने की ताकत दे, तुम्हारी सदा रक्षा करे। बम बम भोले, हर हर महादेव। ये बाबा ने मेरे बच्चे को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? और वो किन चुनौतियों के बारे में बात कर रहे थे? हे शिव जी, बस अब मेरी और परीक्षा मत लेना। है ना प्रीति? टीना, प्रीति ही तो है अभी। इधर ही होगी। मैं धरती जाऊंगा और वहां के सारे काम पूरे करके वापस आऊंगा। अब नागलोक की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। आपको इस बात का यकीन नहीं होगा शेष नागिन, लेकिन ये बात सच है कि अब से लेकर अगले 5 साल के अंदर भारत पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आप कोई साधारण इंसान नहीं, आप बहुत विशेष, और आप ही हैं इस भारत को संकट से बचाने के। आपकी माँ भी एक शेष नागिन थी, और आप भी। आपकी माँ ने भी प्रोफेसर की मदद की थी इस देश से वायरस को भगाने के लिए, और आपने भी बहुत साल पहले अपने पापा का साथ दिया था। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? इतनी बड़ी दुविधा में फंस गई हूं, कहां जाऊं? बहुत मुश्किल हो गया फैसला लेना।
मेरे साथ होती तो मुझे इस मुश्किल से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर बताती। आपको हमेशा पता होता था क्या सही है और क्या गलत। आप सब कुछ संभाल लेती थी माँ। आज मुझे संभाल लीजिए माँ, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे रास्ता दिखाइए माँ। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, आपका साथ चाहिए। माँ मैंने आपकी आवाज सुनी, क्या था ये? आप ही थी ना माँ, आप ही ने मुझे आवाज दी ना माँ। हाँ बेटा, तूने मुझे याद किया ना, तो मैं आ गई। माँ मेरी मदद कीजिए, बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत बड़ी उलझन में फंस गई हूँ मैं माँ। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, अपने कर्तव्य को चुनूं या अपने परिवार को। समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। बेटा जरूरी नहीं कि हर बार चुनाव सही और गलत में हो, कई बार दोनों रास्ते सही होते हैं पर हमें किसी एक पे चलना होता है और यही फैसला सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। पर माँ आप तो हर मुश्किल को आसान कर देती थी। बेटा अतीत में जाके देखूं तो ऐसा लगता है कि मैंने सारी मुश्किलें आसान कर ली थी, पर सच तो ये है कि वो मुश्किलें इतनी आसान नहीं थी। कुछ गलतियां तो मैंने भी की थी, कई बार लड़खड़ाई, संभली, गिरी, फिर खड़े होने की हिम्मत आई। तो बेटा मैं यही कहूंगी, जवाब कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही ढूंढ, अपने आप पे विश्वास कर और जो तेरा दिल कहता है वही कर। और डर मत, मेरी बेटी बहुत बहादुर है, तू कभी कहीं गिरेगी नहीं। और एक पल के लिए कहीं गिर भी गई तो संभलना तुझे आता है। और अब तो तू खुद भी माँ बनने वाली है और माँ में तो बहुत ताकत होती है, तो अब तो वो ताकत भी है तेरे पास। तो अपने अंदर की शक्ति को पहचान, हर मुश्किल का हंसते हंसते सामना कर। और तेरे सामने शिव जी तो है ही, जिनका हाथ हमेशा तेरे सिर पर है और रहेगा। माँ ये क्या था, सच था या सपना? क्या आपने सच में मुझसे बात की थी माँ? अगर आपने बात की थी तो मुझे जो ताकत चाहिए थी वो मुझे मिल गई। थैंक यू माँ, आई लव यू माँ। मैं प्रार्थना और टीना को ढूंढने के लिए अपनी नाग शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। गौतम सुनो, तुम बच्चों को लेकर घर जाओ, मैंने ढूंढ के आता हूं। ठीक है। संजू। हाँ? हेलो, कहाँ हो तुम? तुम ठीक हो? आंटी ने तुम्हारे साथ है क्या? हाँ रघु, वो टीना की तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो मैं उसे घर ले आई। अरे तो तुम मुझे बोलती तो सही, क्या हुआ? नहीं, वो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी तो नहीं बताया। तुम पक्का ठीक हो? और तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? हाँ सब ठीक है। नागराज तक्षक का संदेश आया था, उन्होंने अभी नाग मंदिर बुलाया, हमें जाना होगा। अब क्या हो गया? ठीक है मैं आती हूँ। आपने हमें बुलाया। हाँ रघु, नागलोक पर संकट मंडरा रहा है, हमले हो रहे हैं और ये हमले बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए नागलोक के वंश और आने वाले अंश की सुरक्षा के लिए हमने ये फैसला किया है कि नागलोक के द्वार बंद कर दिए जाएं। तो कल द्वार बंद होने से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त से पहले तुम दोनों को नागलोक आना होगा। इसके बाद कुछ समय के लिए नागलोक का संपर्क धरती से टूट जाएगा। अब प्रोजेक्ट का दूसरा भाग होगा। एक अजीब सी चीज हुई, उन्होंने लिखा भी था कि भारत पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ठीक है, हम कल सुबह तक नागलोक पहुंच जाएंगे। हमने बच्चों से कह दिया कि हम कुछ वक्त के लिए बाहर जा रहे हैं और उनके लिए सारे इंतजाम भी कर लिए। मुझे और कोई खतरा मोल नहीं लेना, हमारे आने वाले बच्चे का वक्त हो गया है। और मुझे प्रार्थना पर हमारे आने वाले बच्चे की रक्षा करनी है और नागलोक से बेहतर कोई जगह नहीं। क्या हुआ प्रार्थना, तुम कुछ परेशान दिख रही हो, कहना चाहती हो कुछ? कल सुबह नागलोक जाना है, इसका मतलब मेरे पास सिर्फ आज की रात है। एक रात में उस जहरीले प्रयोग को कैसे रोकूं जिसके बारे में प्रशांत ने बताया था। चले, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो?
काटना। तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? रत्ना ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम क्या सोच रही हो कि तुम्हें शाखा नहीं दिखी? रघु मुझे बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? रघु दरअसल बात यह है कि हम ज्वेलरी स्टोर गए थे, तब टीना कहीं दिख नहीं रही थी, तो मैंने उसका पीछा किया, उसे किसी ने किडनैप कर लिया था, और जाके पता चला कि वो जो आदमी था वो मेरे पापा को जानता है। पापा ने मेरे लिए ये चिट्ठी भी छोड़ी थी। तो तुम क्या चाहती हो? रघु मैं वहां जाना चाहती हूँ, और वहां जो भी हो रहा है उसे रोकना चाहती हूँ। अगर पापा ने मेरे लिए चिट्ठी छोड़ी है तो ये गलत कभी हो ही नहीं सकती। मैं नहीं चाहती कि हमारे देश के लोगों को कोई भी खतरा हो। मैं शेष नागिन हूँ रघु, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं अपने देश और देश के लोगों की रक्षा करूँ। तो चलो हम वहां चलते हैं, और वहां के प्रयोग चल रहा होगा तो उसे रोकेंगे और अपने देश को बचाएंगे। रघु यही वो जगह है जिसके बारे में मुझे प्रशांत ने बताया था, जहाँ पर वो जहरीला प्रयोग हो रहा है। और वैसे भी रघु आजकल तो दवाइयों के लिए जानवरों पे भी प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, और ये ग्रीन लिक्विड कोई ऐसी प्रयोग कर रहा होगा। नहीं रघु, मेरे पापा ने चिट्ठी में लिखा था, वो मुझे कुछ बताना चाह रहे थे। इसका मतलब यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ नहीं कुछ नहीं। रघु धरती पर भी मेरी बहुत कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है जो मुझे वापस करना है, जिसका चिट्ठी में भी पापा ने संकेत दिया। लेकिन प्रार्थना वो चिट्ठी बरसों पुरानी थी, उन्हें उस समय क्या पता था कि अब क्या होने वाला है? रघु देखो अब यहाँ आ गए है ना, और पापा ने भी चिट्ठी में लिखा है ना, तो इस जगह को पूरी तरह से देख लेते हैं ना, क्या पता हमें यहाँ कुछ मिल जाए। क्योंकि मेरे पापा कभी गलत नहीं हो सकते, उन्हें भविष्य का आभास हो जाता था। क्या आवाज? क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हारा हाथ कैसे जला, और ये क्या जहर बना रहे हो तुम यहाँ पे? इसने तो अपनी जान ले ली। मैंने तुम्हें कहा था ना, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। लगता है इस लैब को सील करना होगा। हेलो पुलिस, थैंक गॉड अब आ गए। सर ये तो मर चुका है। चौबे फॉरेंसिक्स को बुलाओ, सारा एरिया सील करो। ठीक है सर। रघु जी थैंक यू सो मच, आपने सही समय पर हमें बुलाया इसके लिए। अब आप दोनों बेफिक्र रहें, हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। अब जल्द पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा था और ये सब कौन करवा रहा था। जी अब प्लीज पता लग गई, ये लोग कौन हैं जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। रघु मुझे लगता है कि जितना हमें दिख रहा है उससे कई ज्यादा यहाँ हो रहा है जो हमें दिख नहीं रहा। प्रार्थना जो था हमने देख लिया, और कुछ नहीं, और कुछ होगा भी तो पुलिस है ना, वो हैंडल कर लेगी। तुम चलो। गाजर का हलवा और गुलाब जामुन भी होना चाहिए। ठीक है और कुछ? और हाँ, टेबल ने तो बुलाई मत, प्रीति दीदी के फेवरेट है। ठीक। ओए क्या चल रहा है ये सब? अरे कुक इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तुम दोनों मिलकर इनको परेशान कर रहे हो। हेलो ब्रदर, हम इन्हें
परेशान नहीं कर रहा है, काम देखकर खुद परेशान हो गया। आज जगू जी जो प्रीति दीदी का लास्ट डे है ना, तो वो तो कल से ले जाएंगे, तो हम कुक को उनकी पसंद का मेन्यू बता रहे हैं। गौतम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि प्रीति भाभी और रघु भाई हमें छोड़ के चले जाएंगे। सोनिया, यार प्रीति और रघु अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, उन्हें खुशी खुशी जाने दो। तुम्हें ऐसे अपसेट देख के ना वो लोग भी अपसेट हो जाएंगे। सेंटी मतो, अब खड़े क्यों हो, जल्दी जल्दी हमारी हेल्प करो। प्रीति क्या हेल्प करूँ, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है? जल्दी करो, रघु जीजू और प्रीति दीदी आते ही होंगे। ओके मैम। ये सब क्या है? वो रघु भाई, एक्चुअली आप और भाभी कल सुबह चले जाओगे ना, तो हम सब ने सोचा क्यों ना आप दोनों के साथ एक आखिरी बार डिनर कर ले साथ में। प्रीति दीदी आपके फेवरेट दही बल्ले। ओके गाइस, एक कमरा है शेष नागिन जिसमें बहुत अजीब सी चीजें हो रही हैं। रघु, मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ गैर कानूनी गतिविधियों के अलावा कुछ ऐसा हो रहा है जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। राधना, क्या हुआ, तुम ठीक हो? बात कर सकते हैं? आप लोग हम लोग फ्रेश होके आते हैं। हाँ बोलो, क्या हुआ? रघु, हम कुछ दिन बाद नागलोक नहीं जा सकते क्या? अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें नागलोक नहीं जाना? रघु, पता नहीं क्यों पर मेरा दिल कह रहा है कि हमारे देश पर कोई साजिश हो रही है, और ऐसे में देश को छोड़ के जाना। प्रार्थना बस, तुम्हारे कहने पे मैं उस गुप्त कमरे में गया, उसकी छानबीन भी की जहाँ वो प्रयोग था, और पुलिस को कह के वो कमरा सील भी करवा दे, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ पर मैंने भी तो कहा ना कि उस कमरे में कुछ ऐसा है जो पर हमें दिख नहीं रहा। अगर पापा ने चिट्ठी में लिखा है कि देश पर संकट आने वाला है, तो वो संकट पुलिस की तहकीकात से भी परे है। प्रार्थना प्लीज, तुम्हें एक बरसों पुरानी चिट्ठी क्या मिल गई, तुम उस पर अंधविश्वास कर बैठी। माना तुम्हारे बाबा हमेशा सही होते थे, लेकिन जब वो थे अब वो नहीं है, तो हो सकता है उन्होंने चिट्ठी में जो लिखा हो वो सच ना हो। रघु, मेरे पापा को गलत साबित करने की कोशिश मत करना, वो एक सच्चे देशभक्त थे, उनकी भविष्यवाणी पत्थर की लकीर थी, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं देना है तो मत दो, पर मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी। प्रार्थना बहुत जिद हो गई, अब कुछ नहीं, हम कल नाग लोग जा रहे हैं, ठीक है? नहीं। क्या वो? आराम से बैठो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानो, मैं सिर्फ तुम्हारे और अपने बच्चे का भला चाहता हूँ। प्रार्थना, तुम माँ बनने वाली हो, प्लीज अपने बच्चे के बारे में सोचो। अब चुनने का वक्त आ गया, या तो तुम्हारा कर्तव्य या हमारा बच्चा। मुझे पता है तुम शेष नागिन हो, तुम्हारी देश के प्रति जिम्मेदारियां, लेकिन अगर उसकी वजह से हमारे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम थोड़ी देर आराम करो, कल हमें ब्रह्म मुहूर्त के पहले नागलोक पहुंचना है। मुझे मेरे संतान की फिक्र है रघु, पर उतनी ही फिक्र मुझे मेरे कर्तव्य की भी है। प्रार्थना, तुम वही करो जो रघु तुम्हें कह रहा है। रघु, तुम और तुम्हारा बच्चा, बस यही है तुम्हारी जिंदगी। नहीं प्रार्थना, तुम्हारी खुशी से बढ़कर है तुम्हारा देश। जरा सोचो, अगर तुम नागलोक चली गई और तुम्हारे जाने के बाद हमारे देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ गया तो क्या करोगी? नहीं, तुम इसकी बात मत सुनो, तुम नागलोक जाओ, वहां तुम, रघु और तुम्हारा बच्चा तीनों की जिंदगी एकदम सुरक्षित है। देश की रक्षा भी जरूरी है प्रार्थना, जरा अपनी माँ के बारे में सोचो, याद करो क्या कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे देश के लिए, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए।
हे शिव जी, आज एक बहुत बड़े धर्म संकट में हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, अपने देश के संकट से लड़ूं या अपने बच्चे को संकट से बचाऊं और नागलोक जाऊं। गौतम से कार निकालो जल्दी। आराम से पूरे जल्दी पकड़ो इसे। आराम से प्रीति, कुछ नहीं होगा। यहाँ बैठ, यहाँ लेट, आराम से, आराम से। सुने जगह डॉक्टर को फोन करो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा, उसका लीवर का पेन शुरू हो गया। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना सर। हाँ। गाड़ी पे पेड़ गिर गया है, गौतम भैया एम्बुलेंस बुलाने गए हैं। जाके हेल्प करो जल्दी उसकी। जी। कुछ नहीं होगा, तुम गहरी सांस लो। रघु भाई, मेरी डॉक्टर से घर आने के लिए बात हुई है, लेकिन आंधी तूफान बारिश की वजह से सारे रास्ते ब्लॉक है, घर आने के सारे रास्ते बंद है, वो नहीं आ पाएंगे। क्या? अब हम क्या करेंगे? रघु, अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, अब जो भी करना है तुम्हें ही करना होगा। तुम टेंशन मत लो। नहीं, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। रघु भाई, लाइट भी चली गई। सुनो, जाके कैंडल्स और गर्म पानी ले जाओ जल्दी। बच्चों, आप लोग रूम में जाओ, जल्दी जाओ। उठ के बैठ, उठ के बैठ। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बच्चे को कुछ नहीं होगा, हम दोनों साथ में मिलकर इस बच्चे को दुनिया में लाएंगे। हाँ, भरोसा है मुझ पे? खुद से भी ज्यादा। आज रात हमारा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आएगा। हे शिव जी, मेरे बच्चे और प्रार्थना की रक्षा करना, एक शेष ना की आपसे विनती है। अब तुम्हें गहरी सांस लेनी और पुश करना, पुश 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 पुश, गहरी सांस पर पुष्कर। प्रार्थना, हमें एक ही दो बच्चे होने वाले, एक आ गया दूसरा आने वाला, तुम्हें वापस पुष्कर करना होगा, तुम्हें पुष्कर करना होगा वापस से, पुश।
एक गहरी सांस लो और पुश कर, पुश। प्रार्थना देखो, हमारी एक और बेटी हुई, जैसे चांद तारों की चमक। रोने की आवाज सुनी ना, हम सबसे तो कंट्रोल ही नहीं हुआ। हो गई आरती। रघु भाई, अब आप भाभी को और ये छोटी छोटी बेबीज को रूम में ले चलो। वाव, ये बेबी गर्ल्स कितने क्यूट है। अगर आप लोग कल नहीं जाते ना, तो हम लोग इनके साथ कितना खेलते। आप लोग मिलने आते रहोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे। चलो दीदी थक गई है, वो रेस्ट करेंगे। ओके, आप समझो, चलो आ जाओ। ये फूल यहां अच्छे से लगा। हाँ दिए भी। आपको सच में ये लगता है कि वो नागलोक में वापस आएगा? उसे आना होगा, उसने वादा किया है नन्नाग से। वो एक शेष नाग है, अपने शब्दों से कभी नहीं पलटता। तो फिर उसे आज रात से पहले यहाँ पहुँचना होगा। आज रात के बाद हम नागलोक की रक्षा के लिए नागलोक के द्वार बंद कर देंगे। यहाँ से कोई नाग नागिन ना ही बाहर जा सकेंगे, ना ही बाहर से अंदर आ सकेंगे। इसलिए आज रात से पहले उनको यहाँ पे प्रवेश करना होगा। यहाँ के नीतियाँ और नियम निभाने होंगे। वो निभाएंगे और निश्चित अपने समय पे आएंगे। क्या हुआ नागराज तक्षक, आप इतने परेशान क्यों हैं? शेष नाग और शेष नागिन के आने से आपको खुशी नहीं हुई? उनके आने से तो नागलोक सुरक्षित हो जाएगा। मुझे तो कुछ भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है वासुकी। उन दोनों के जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है। उली 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 उली। बच्चे इन दोनों को देख के कितने खुश थे ना। थैंक यू, तुमने मुझे एक नहीं दुगनी खुशी दी। और आज से हमारी फैमिली पूरी, हम चार और सिर्फ प्यार ही प्यार। वैसे बच्चों के नाम सोचे? मैं सोचा था कि पिया, टिया, रिया, पिया। क्या ये भी कोई नाम है? अरे इतने मॉडर्न नाम है। नाम मॉडर्न नहीं, अच्छे होने चाहिए। मतलब अच्छे नाम नहीं? नहीं मतलब तुम समझ नहीं रहे। यू नो व्हाट, रहने दो, इनके नाम मैं ही चुनूंगी। ओ हेलो, मैं इनका पापा हूँ, इनके नाम मैं चुनूंगा। नहीं, मैंने कहा ना इनके नाम मैं चुनूंगी, आफ्टर ऑल मैं उनकी माँ हूँ। ये लोग भी ऐसे देखो कि हम दोनों बच्चों से लड़ रहे हैं। मुझे बच्चे के झगड़े में ना बहुत मजा आ रहा है। क्यों? सुना नहीं, जब पति पत्नी में ज्यादा झगड़ा होता है, इसका मतलब यही होता है कि वो एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं। तो हम लड़ते हुए माँ बाप से कई ज्यादा झगड़ते हुए लवर्स हैं। ऐसे आपकी बात तो सही है। क्या कर रहे हो? अभिषेक, हम यही रहते हैं। हमें रहना भी चाहिए। मतलब रघु, क्या हम सच में कुछ और दिनों के बाद नागलोक नहीं जा सकते? पता नहीं क्यों मेरा दिल ये बार बार कह रहा है कि हमारे देश के साथ कुछ तो साजिश। बस प्रार्थना बस, तुम्हें पता है नागलोक की मेरी जरूरत है, और ये बात तुम भी जानती हो। हाँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने देश, अपने धरती को खतरे में छोड़ दूं। देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और हमारे बच्चों के साथ कोई भी अनहोनी हो।
मुझे पता है तुम्हारी माँ ने देश के लिए बहुत कुछ किया और शेष नागिन होने के नाते तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है, लेकिन तुम इस हालत में नहीं हो कि कुछ कर सको। अभी डिलीवरी हुई है तो अपने आप को संभालो, इन बच्चों को संभालो, और अगर कुछ सोचना है तो इन बच्चों के बारे में सोचो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अगर कोई भी कश्मकश हो तो चुन लेना, या तो कर्तव्य या ये बच्चे। और अगर तुम्हारे कोई भी गलत कदम से इन बच्चों को कुछ भी हुआ, पता नहीं मैं क्या कर बैठूं। तुम जाके आराम करो, हमें कल सुबह निकलना। चुनना कैसा रघु, दोनों ही मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरे बच्चों को संभालना और मेरा देश। ये कर्तव्य शेषनाग और शेषनागिन का ही है। हाँ तो वो अपना कर्तव्य निभाएंगे, पर उनके दोनों कर्तव्य आपस में टकराएंगे, और जब ऐसा होगा तो देखने वाली बात ये होगी कि दोनों में से कौन सा कर्तव्य जीतता है, धरती लोक का या फिर नाग लोक का। अब इसका उत्तर तो समय ही देगा कि इस घटना से उठने वाले तूफान का सामना करने में दोनों सफल होते हैं या फिर कहानी की किताब का एक और पन्ना पलटेगा, जिस पर समय एक नया अध्याय लिखेगा। कैसे भाग सकते हो अपनी जिम्मेदारी से, वो भी तब जब नागलोक को तुम्हारी इतनी आवश्यकता है। अब मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, मैं नागलोक में रहूंगा। कि अब से लेकर अगले 5 साल के अंदर भारत पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अपने को कभी सच ना करे। ये पत्थर किसने फेंका? ये क्या, ये तो प्रशांत है, इसने पत्थर फेंका, इसका मतलब वो कुछ बोलना चाहता है मुझे, इसलिए मुझे बुला रहा है। प्रशांत, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? शेषनाग, आप यहीं रहिए, कहीं मत जाइए, धरती छोड़कर कहीं मत जाइए। पर मैं यहाँ धरती पर नहीं रह सकती, मैं नागलोक जा रही हूँ। शेषनागिन, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अब से लेकर अगले 5-7 साल के अंदर भारत पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचाया जाएगा, और वो षड्यंत्र पूरा होगा। पर अगर किसी को भारत पर षड्यंत्र रचना भी होगा तो वो 5 साल षड्यंत्र रचने के लिए क्यों रुकेगा? शेषनागिन, आप समझिए, ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। ये जो देशद्रोही है ना, ये जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये कई सालों से भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र पर काम कर रहे हैं, इसीलिए इनका प्लान फुल प्रूफ होता है। ये जो वायरस आया था ना, पूरे देश और दुनिया में इस वायरस को फैलाने के लिए इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था। अच्छा, वो प्रयोगशाला गई थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था? हाँ, मैं वहाँ गई थी, पर वहाँ मुझे कुछ मिला नहीं सिवाय कुछ हरे रंग के लिक्विड के। नहीं, वो हरा लिक्विड नहीं था शेषनागिन, वो सांपों का जहर था जिसे सांपों से निकाला जा रहा है। सांपों का गलत इस्तेमाल करके एक षड्यंत्र रचा जा रहा है शेषनागिन, और तो और सांपों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कुछ ही सालों में यह प्लान भारत को बर्बाद कर देगा। अब आप सोच लीजिए, ऐसी सिचुएशन में भारत से मुंह फेर के जाना, क्या ये सही है? अब चुनने का वक्त आ गया, या तो तुम्हारा कर्तव्य या हमारा बच्चा। एक कमरा है शेषनागिन, जिसमें बहुत अजीब सी चीजें हो रही हैं। 5 से 6 लोगों की जहर से मौत हो चुकी है। इस बार वायरस बीमारी में फैलेगा, कोई नागिनों का नाम खराब कर रहा है, नागिन के जहर से सबको मारना चाहता है।
नागलोक जाने से पहले मैं एक बार फिर उस प्रयोगशाला को देखना चाहती हूँ कि क्या प्रशांत सच में सच बोल रहा है। अगर उसकी बात सच है तो फिर तो मेरे जाने के बाद धरती पे कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मत रो बेटा, मत रो, मत रो, मत रो। तो तुम चुप नहीं होगी? हाँ, लगता है अपने रोने से मुझे ये बताना चाहती हो कि तुम भी मेरे साथ चलना चाहती हो। चुप हो गई? अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम भी मेरे साथ चलना चाहती हो। ठीक है, फिर चलो। चिट्ठी में लिखा था मतलब यहाँ कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, और फिर प्रशांत भी बार बार कह रहा था कि यही देश के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। कहां से आ रही है? यहां कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। ये आवाजें तो नीचे से आ रही है, इसका मतलब इसके नीचे भी कुछ तो है, पर यहां से नीचे जाने का रास्ता कहां है? इतनी रात को प्रार्थना कर चली गई? बच्ची को अपने साथ ले गई? क्यों? उन दोनों को ढूंढना होगा और नागलोक जाने का वक्त करीब आ रहा है। ये सब यहाँ क्या हो रहा है, और ये सांप के बच्चों को यहाँ पर क्यों लाया गया है, और ये
सांपों के बच्चों का जहर क्यों निकाला जा रहा है? ये क्या साजिश है? कौन हो तुम और क्या हो रहा है यहाँ? ये सांप के बच्चों को यहाँ क्यों लाया गया है? इनका जहर क्यों निकाला जा रहा है? कौन है तुम्हारा सरदार? कौन है सबके पीछे? बताओ मुझे। कोई है, कोई आ गया है। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। जवाब तो मुझे, मुझे मेरा जवाब चाहिए। ये सांप के बच्चों को यहाँ क्यों लाया गया है? इनका जहर क्यों निकाला जा रहा है? कौन है तुम्हारा मुखिया? कौन है सबके पीछे? जवाब दो।